की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री के मालकिन को दिखाते हुए जिसका नाम विक्टोरिया है। उसकी इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बनाई जाती थी। वो आज यहाँ खुद काम कर रही थी जो पिछले काफी अरसे से एक चीज की खोज कर रही थी। तो उसका साइंटिस्ट कहता है कि वो चीज हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी। उनके सामने एक काफी बड़ी चीज को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से हमें बीटल की शक्ल में बनी एक डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बीटल स्कैरेट होता है जो की असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी है। बीटल यानी की एक कीड़े की शक्ल। अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़के जेमी को देखते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी जो उसका इंतजार कर रही थी और जेमी इन सब से मिलता है। अंकल उसके साइंटिस्ट थे जो गाड़ी में बैठकर इन सब का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद ये पूरी फैमिली पास के होटल में जाती है। यहाँ जेमी की बहन बताती है कि हमारे हालात बहुत खराब है जिसमें हमारा घर भी बिकने वाला है। बिजनेस में डैड को काफी नुकसान हुआ है। ये सुनकर जेमी काफी परेशान हो गया। कहता है कि ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं तब वापस आ जाता। जिस पर उसकी मम कहने लगी कि बेटा हम चाहते थे कि हमारी फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा हो, इसलिए हमने तुम्हें लॉ पढ़ाने के लिए भेजा। अब तुम आ गए हो पढ़ाई करके तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये फैमिली घर वापस आ गई। वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्द अच्छा सा काम करके इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जेमी को काफी आलीशान घर के सामने देखते हैं जहाँ उसकी बहन कहती है आ जाओ जेमी सफाई करवा कर। दरअसल वो दोनों यहाँ पर जॉब कर रही थी और फिलहाल उनके पास करने का यही काम था। इतनी देर में यहाँ विक्टोरिया आ गई अपने गार्ड के साथ क्योंकि उसी का घर था। अब जब विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम जेना था। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जेना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो इंसान बहुत ताकतवर सोल्जर बन जाता है। इतना ताकतवर कि वो सोल्जर अकेला ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है। जेना बताती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं भड़की हुई हूँ क्योंकि इस पर तुम्हारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि हमने सालों पहले ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसे रोकने का फैसला मेरे डैड का था क्योंकि इस डिवाइस की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा, दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे डैड तबाह इंसान बनाना नहीं चाहते थे, तो फिर आप दोबारा क्यों इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रही है। इस पर विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम्हारे डैड की बात मैंने इस कंपनी को चलाया, तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है, इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है, मैं ही बेहतर जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम या तुम्हारी माँ मेरे इस काम में दखल दो। तभी यहाँ जेमी आ गया जो उनके बहस में बोल पड़ता है। अब ये चीज विक्टोरिया को पसंद नहीं आती कि एक नौकर हमारी बात में घुस आया, इसीलिए वो जेमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। वो दोनों बहन भाई घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार करने लगे तो उनके पास जेना आती है। वो जेमी को कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, कल ऑफिस आओ मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। रात के वक्त जेमी अपने डैड से बातें करता है और उन्हें बताने लगा कि मैं आपके बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह से बहुत परेशान हूँ। इस पर उसके डैड कहती है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है, सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ। तुम वापस आ गई हो तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है। ये सुनकर जेमी को तसल्ली हुई और वो भी खुश हो जाता है। अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर उनकी इंडस्ट्री में पहुंचा और जब उसने जेना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करें। ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम से जा रहा था तो जेना चुपके से उसका कार चुरा कर उसके लैब में आ जाती है जहाँ उसे बीटल स्कैरेट मिल जाता है। साइंटिस्ट दरअसल बीटल स्कैरेट का जो कोर है यानी मेन हिस्सा उसे निकाल कर सूट में डालने वाला था ताकि इसकी सारी ताकतें सूट में चली जाए। तब जेना उस स्कैरेट को एक बॉक्स में डालकर चुपके से लैब से बाहर निकल जाती है और जब वो नीचे आई तो जेमी उसके पास आ जाता है। जेना उसे कहती है अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं हम। अब तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। जेना वो बॉक्स जिसमें बीटल स्कैरेट था वो जेमी को देते हुए कहती है कि इसे अपने पास रखो, तुमने इसे खोलना नहीं और अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। जो कहकर वो जेमी को यहाँ से भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे बढ़ गई। घर आकर जेमी अपने घर वालों को सब बताता है जो उसके साथ हुआ और उन्हें वो बॉक्स दिखाता है जिस पर उसकी फैमिली काफी कंफ्यूज थी और वो जेमी को बॉक्स को खोलने का कहती है। उनकी बात मानकर जेमी ने बॉक्स भी खोल दिया जिसके अंदर से उन्हें बीटल स्कैरेट मिलता है जिसे जेमी बड़े गौर से देखने लगा। जब उसने हाथ में लिया तो स्कैरेट चमकने लगा और अचानक ही ऑन होकर जेमी के मुंह पर चिपक जाता है जो देखकर सारे घर वाले काफी डर गए। जिसके साथ जेमी का जिस्म अचानक से खौफनाक तरीके से बदलने लगा, उसके जिस्म पर सूट चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वो बन जाता है ब्लू बीटल जो इस मूवी का नाम भी है। और अब पूरी तरह सूट जेमी को कवर कर लेता है जिसके फौरन ही बाद सूट के अंदर से उसके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी है। वो कहती है कि जेमी ब्लू बीटल बनने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है और अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। जो कहकर जोर से जेमी को उड़ाकर वो आसमान पर ले जाती है।
वे एकदम से वापस जमीन पर ले आई, जहाँ जेमी यानी ब्लू बीटल के सामने एक बस आ रही थी। यह असिस्टेंट ने इस सूट की ताकतों को और बढ़ा दिया। वो अपनी फुल ताकत से एक्टिवेट हुआ, जिससे टकराने की वजह से बस के दो टुकड़े हो जाते हैं। यह असिस्टेंट जेमी को समझाती है कि ब्लू बीटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है। जो सब बताने के बाद वो उसे घर ले आई। तब तक जेमी के जिस्म से वो सूट गायब हो चुका था। उसके जिस्म पर अब कोई कपड़े नहीं थे, और क्योंकि इस सब में वो काफी थक गया था, इसीलिए वही बेहोश हो जाता है। काफी घंटों के बाद जब उसे होश आई तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे अपने पीछे जब अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी कमर चेक की, जहाँ बीटल स्कैरिब उसके पेट के साथ चिपक गया था। ये देखकर वो काफी घबरा गया। ये तय है कि मैं इस बारे में जेना से बात करूंगा, जो बोलकर वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जेना को इंडस्ट्री से बाहर भागता हुआ देखता है, जहाँ उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। जेमी जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन जो लोग पीछे पड़े हुए थे वो उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगे। उनसे बचने के लिए जेमी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अब ये अपने घर की तरफ जाने लगा। घर आकर दोनों सबसे मिलते him. अब जेना जेमी से पूछती है कि स्कैरब कहाँ है। तब वो उसे अपने पेट दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है, चिपक गया है। ये देखकर जेना काफी हैरान हुई है। बताती है कि ये इसलिए चिपका क्योंकि इसकी शक्ल बीटल जैसी जो है, और ये है बीटल स्कैरब, जिसे पहले मेरे डैड भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और मेरे ख्याल से अब वो नहीं रही। लेकिन जब वो जिंदा थे तो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आर्ट विक्टोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि बीटल स्कैरब के कोर में बहुत ताकत है। मेरे डैड इस बात से इत्तफाक नहीं करते थे, उन्होंने इस बात की मुखालफत की, क्योंकि उनका मानना था कि बीटल स्कैरब खुद उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बीटल बनेगा और उसकी ताकत इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा। और इस बार बीटल ने जेमी को चुना है। जेमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इस बीटल स्कैरब को निकालना है, कोई हल बताओ। जिस पर जेना कहती है कि एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पर जाना है जिस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। जिस पर जेमी के अंकल जो साइंटिस्ट बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से मैं एक साथ पूरे बिल्डिंग के सभी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, जिसके बाद उनकी कंपनी के सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर दिया जाता है और वहाँ एक कार्टून चलना शुरू हो जाता है। इस बीच मौका पाकर जेनी अंदर घुसी और कंपनी की एक घड़ी चुरा कर जेमी के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर विक्टोरिया का गार्ड खड़ा था, जो इनको मारने के लिए टीवी से इनकी तरफ आने लगा। उसने जैसे हमला करने के लिए हाथ आगे किया, जेमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और अचानक ही उसका एक्टिवेट हो गया और वो फिर से बन गया ब्लू बीटल, इसलिए वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ गया। दरअसल उसे भी विक्टोरिया ने एक सूट बना कर दिया था, वो भी एक्टिवेट होकर इसके जिस्म पर चढ़ जाता है। वो फिर से ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। एक साथ उसने कई हमले किए, जिन सबको ब्लू बीटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ने लगा। उसने बीटल को दबोच लिया और बस उसे मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी लेकर जेमी के अंकल यहाँ आ गई। उसने जोर से गार्ड के अंदर गाड़ी दे मारी, जिससे वो काफी दूर जाके गिरा। अब ये मौका देखकर तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल गए। जेना उन्हें कहती है कि अब हमें शहर से बाहर जाना है। शहर से बाहर आते ही ये जेना के डैड के दूसरे घर पर गए, जहाँ जमीन पर एक काफी बड़ा बीटल बना हुआ था। उसे देखकर जेना हाथ में बने हुए घड़ी के जरिए उस बीटल के नीचे बने खुफिया रास्ते को खोल लेती है और ये तीनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहले ब्लू बीटल जेना के डैड थे। उन्होंने ही सबसे पहले बीटल स्कैरब की ताकतों और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। अब यहाँ की हर एक चीज को देखकर जेमी के अंकल काफी मुतासिर हुए और वो बीटल स्कैरब की टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं, जिसके मुताबिक अगर स्कैरब ने खुद को किसी के साथ जोड़ लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है ये बीटल स्कैरब अब जेमी से अलग भी नहीं किया जा सकता, वो उस इंसान के हर एक सेल से जुड़ जाती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें जेमी की मौत हो सकती है। अब ये सुनकर जेमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकलकर छत पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल भी उसके पास आकर बैठ गए और जेमी को समझाने लगते हैं कि जेना की मदद से तुम्हें जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है, जिन पावर्स के लिए लोग तो तरसते हैं, तो तुम्हें वो ऐसे मिल गई। तभी छत पर जेना भी आ गई, देखती है कि एक हाईटेक प्लेन शहर से उड़ा और जेमी के घर की तरफ आ रहा है। उसे शक हुआ, उसने इस बारे में जेमी और उसके अंकल को बताया। ये लोग देखते हैं कि प्लेन में भी बहुत सारे लोग हैं और इनके घर के बाहर भी बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं। ये देखकर जेमी समझ गया कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी, तो उनकी मदद करने के लिए वो चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे जेमी समझ गया कि ये सूट मुझे मुसीबत में देकर ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो वहाँ से कूद पड़ता है। अब वो नीचे गिरकर मर ना जाए, इसलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही एक्टिवेट हो गया और अब ब्लू बीटल बनते ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसका गार्ड थे। नीचे सोल्जर्स जेमी के घर में घुसकर सबको बाहर निकाल रही थी, लेकिन तभी जेमी यानी ब्लू बीटल उड़ता हुआ वहाँ आया और अपने मुक्कों से मारता हुआ सब सोल्जर्स को उड़ा देता है और अपने घर वालों को यहाँ से भागने का कहता है।
ब्लू बीटल की असिस्टेंट काफी बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर्स को एक साथ उड़ाने का सोचती है। इस पर ब्लू बीटल उसे कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते, बस वैसे ही जख्मी कर देती है। जो कहकर वो अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको मार मार के बेहोश कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना लगा के खड़ा हो जाता है ताकि एक एक झटके में वो उड़ जाए। दूसरी साइड पर बीटल भी तैयार था, लेकिन तभी बीटल ने देखा कि मेरे डैड को दौरा पड़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास आया। इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड अपनी टेक्नोलॉजी से ब्लू बीटल को कमजोर करके उसे कैद कर लेता है, जिससे अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ब्लू बीटल के सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर पीछे से एक धमाका करके उसके पूरे ही घर को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद गार्ड जेमी को जो ब्लू बीटल से बाहर आ गया था प्लेन में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली यहाँ आई, देखते हैं कि जेमी के डैड अब नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे अगला दिन आ गया जहाँ उसके डैड के मरने और जेमी के जाने से सारे काफी परेशान थे। दादी सबको इकट्ठा करती है, कहती है कि कैसे भी करके हमें जेमी को बचाना है, किसी सूरत उसे नहीं खोना। इस पर जीना जवाब देती है कि इस मिशन में मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। जो कहने के बाद जीना उन्हें अपने डैड की एक और जगह पर लेकर गई, जहाँ उसके डैड ने एक बीटल प्लेन भी बनाया हुआ था, जिसके अंदर बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। प्लेन में जीना उन सबको अपने डैड की बनाई हाईटेक हथियार देती है, जिसमे जेमी की दादी एक मशीन गन लेती है। फिर ये लोग विक्टोरिया के आइलैंड पर बने उसके किले को देखते हैं और दादी प्लान बनाती है कि हम उन दुश्मनों का पहले ध्यान भटकाएंगे और अगर उन्हें मारना हुआ तो मारेंगे, फिर अंदर जाकर जेमी को बचा लेंगे। उधर विक्टोरिया ने जेमी को उल्टा लटकाया हुआ था, क्योंकि वो उसकी बीटल टेक्नोलॉजी को निकाल कर अपने गार्ड में डालने वाली थी। यहाँ जेमी साइंटिस्ट से मदद मांगता है, इस पर वो जवाब देता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साइंटिस्ट बताता है कि इस चीज में जेमी मारा जा सकता है, इस पर वो जवाब देती है कि मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी इतने ही देर में बाहर बीटल प्लेन से किले पर हमला कर दिया जाता है, तभी जेमी की अंकल उसे नीचे उतार कर दोबारा से शुरू कर देती है, जिससे अब वो इतना ताकत से उन पर हमला करता है कि ऊपर चढ़ने लगा, उसके पैर निकल आए थे, जिसके नीचे वो सब गार्ड को कुचलता गया और बाद में गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देता है। अब ये लोग अंदर आ गए, जहाँ जीना लैब का रास्ता ढूंढकर उसी तरफ बढ़ने लगे। इनके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन आ जाती है और ये वही मशीन है जिसके जरिए ब्लू बीटल की ताकतें टेक्नोलॉजी को निकाल कर गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था। प्रोसेस शुरू हो गया, जिससे ताकतें जाने की वजह से जेमी तड़पने लगा और वो अपने ही दिमाग में कुछ सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसे अपनी डैड नजर आई। जब जेमी उन्हें देखता है तो काफी जज्बाती हो गया, लेकिन जीना और जेमी की बहन उस पूरे कोर पर बॉम्ब लगा देती है जहाँ ये ट्रांसफर का काम हो रहा था। अब ये ताकतें जाने का असर जेमी और उसके डैड दोनों महसूस कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं, बेटा तुम्हारा दुनिया में अभी भी काम बाकी है, असली दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है, मेरा काम यही तक था, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया और अब बेटा मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे ब्लू बीटल वाला सूट दिखाते है और कहने लगे, बेटा तुम इसकी ताकतें इस्तेमाल करना और दुनिया को बचाना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हुए तुम्हें महसूस होता रहूंगा। जो कहकर वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये जगह टूटना शुरू हो गई, क्योंकि तबाह हो रही थी सब कुछ। टेस्टलेस होने से पहले जेमी ठीक वक्त पर अपने ब्लू बीटल वाले सूट को हाथ लगा देता है, जहाँ बाहर तब तक उसकी सारी पावर्स और टेक्नोलॉजी को उसमें से निकाल कर गार्ड में डाल दिया गया था। और अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार था, लेकिन इससे पहले कि जेमी मरता, जीना वहाँ धमाका कर देती है, जिससे वो पूरी कोर मशीन तबाह बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वहाँ धमाका ही बहुत बड़ा हुआ था। और ऐसा होते ही जेमी उनकी कैद से आजाद हो गया, वो अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा। इस पर असिस्टेंट कहती है कि ब्लू बीटल के एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो चार्ज नहीं है। अब यहाँ से साइंटिस्ट जेमी की मदद करता है भागने में, और जब इस बात का गार्ड को पता चला उसने साइंटिस्ट को मार दिया। जेमी वहाँ से भागता है और गार्ड जो अपने सूट के साथ बिल्कुल तैयार था, वो अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता था, और उसे ऐसे पाकर विक्टोरिया काफी खुश थी। जेमी भाग रहा था और क्योंकि उसके सूट में अभी एनर्जी कम थी, इसलिए बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आते हैं। तब ठीक मौके पर यहाँ दादी मशीन गन लेकर आ जाती है और सब गार्ड्स को उड़ाकर जेमी को बचा देती है। ये दोबारा से भागने लगे और जो जो भी रास्ते में आ रहा था दादी मशीन गन से सबको मारती जा रही थी। उधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ लिया था और वो उसे अपने साथ ले गई। जेमी की बहन शील्ड और पंचेस इन्हें मुक्कों वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गार्ड से लड़ रही होती है, और अब जेमी पर ब्लू बीटल सूट भी एक्टिवेट हो
जाता है क्योंकि वो भी अब चार्ज हो चुका था। इसीलिए वो सभी गार्ड से भिड़ जाता है और उन पर हमला करके काफी बुरा मारता है। लेकिन तभी यहाँ गार्ड अपना सूट पहने आया और ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। वो उसे उड़ाकर हवा में ले गया और अभी दोनों वहाँ एक दूसरे को मारने लगे। पहले तो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर गार्ड ब्लू बीटल को बहुत मारता है, जिसके बाद दोनों लड़ते लड़ते फिर से किले में आ गए और यहाँ एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही थी। अभी हाँ जेबी के अंकल गार्ड के सर पर वार करते हैं, जिससे वो जवाब में उसके अंकल के पास धमाका करता है और वो काफी जख्मी हो गई। ये देखकर ब्लू बीटल को काफी गुस्सा आया और अब वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर सीरियस रोशनियां निकलने लगी। उधर विक्टोरिया जेना को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल के कोर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों की तादाद में सूट बनाऊंगी और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर जेना को गुस्सा आ गया और वो वहाँ बीटल टेक्नोलॉजी वाली चिंगम को थूक देती है, जिससे वो हर तरफ फैलने लगी। ऐसे फैलने के बाद जेना गार्ड्स को काफी मारती है। नीचे ब्लू बीटल ने गार्ड को काफी मारकर बुरा हाल कर दिया था। वो उसे नीचे लिटाकर गला काटने ही वाला था कि तभी असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे किसी की जान ना लेने वाली असूल को याद करवाती है। उस पर रोते हुए जिमी बोला कि इसने पहले मेरे डैड को मारा और फिर मेरे अंकल को बॉम्ब से जख्मी कर दिया और अब मैं भी इससे बदला लूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाती है कि वो अपनी मोम के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन मिसाइल के हमले से उसकी मोम की मौत हो गई और क्योंकि वो अकेला रह गया था तो उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन एक दिन बॉम्ब पर पैर आ जाने की वजह से गार्ड का पूरा जिस्म तबाह हो गया और जब इस बारे में विक्टोरिया को पता चला तो उसने फायदा उठाकर गार्ड को अपने एक्सपेरिमेंट तजुर्बे में इस्तेमाल किया, उसे नया जिस्म दिया, जिसके बाद वो उसे अपने हिसाब से चलाने लगी। अब ये गार्ड जो कुछ भी करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है, तो अभी यह जेमी उसे कुछ नहीं कहता छोड़ देता है। उधर जेना अपनी आर्ट विक्टोरिया का फोन ही तोड़ देती है, जिससे उसका फोन तबाह होने से अब उसके पास ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही, तो अब वो खतरनाक सूट भी नहीं बना पाएगी। अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है जहाँ वो उसे रुकन देती है कि जाओ जेना और ब्लू बीटल को मार दो, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता बल्कि विक्टोरिया को पकड़ के अपनी मोम को याद करके अपना सूट तबाह कर देता है, जो देखकर जेना और जेमी जल्दी से आकर मिडिल पेन में बैठ जाते हैं। वहाँ काफी बड़ा धमाका होने लगा जिसमें गार्ड और विक्टोरिया के मरने के साथ साथ पूरा किला भी तबाह हो गया, जबकि वो सारे लोग मिडिल पेन में बैठ कर वहाँ से निकल गयी। जेमी देखता है कि मेरे अंकल मरे नहीं बल्कि जिंदा बच गए थे, तो उन्हें देखकर जेमी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया के मरने के बाद अब जेना इस इंडस्ट्री को चलाने वाली है। वो खबरों में बताती है कि मैं कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोक कर कंपनी को अच्छे रास्ते पर चलाऊंगी। अब घर में जेना आई जो कहती है कि मैंने आप सबकी मदद करने के लिए इस पूरी जगह को खरीद लिया है और मेरी जगह वापस आपको ही तोहफे में दे रही हूँ, आप यहाँ अच्छी जिंदगी गुजार रही है, जो सुनकर सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। अब जब जेना वहाँ से जा रही थी तो उसे छोड़ने जेमी भी उसके साथ आया। वो यहाँ उसे अपने दिल की बात करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर जेना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलकर दोनों गले से लग जाती है। अब तभी यहाँ जेमी का ब्लू बटन सूट फिर से एक्टिवेट हो गया, जिसके साथ दोनों हवा में उड़ते उड़ते काफी ऊपर चले जाते हैं और अपनी इस सैर को काफी एंजॉय करने लगे। और इसी के साथ इस फिल्म के यही पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।